आज यहाँ पर सावन माह चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? श्रावण माह शिव जी का सबसे प्रिय महीना है। जैसे हमें 6 महीनों में फल प्राप्त होता है, अकेले श्रावण मास में फल प्राप्त होता है। श्रावण मास और फगण मास भगवान शंकर को बड़े प्रिय महीने हैं दोनों। इनमें भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। जैसे माता पार्वती का जन्म हुआ था श्रावण मास में, इस करके ये मास में भगवान शिव के भगत बड़ी पूजा आराधना करते हैं। मंदिरों में आपने देखी होगी बड़ी भीड़ होती है, बड़े श्रद्धालु आते हैं। और जंगम के बारे में रही बात, जंगम भगवान का शिव के अंग से निकला है और शिव की स्तुति करता है। जो भगत लोग जंगम को मानते हैं, जैसे हम एक आम आदमी को मानते हैं, उससे एक पंडित को मानने से 100 गुना फल प्राप्त होता है, और 100 पंडितों को मानने से, एक साधु को मानने से उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। उससे आगे जैसे 100 साधुओं को पूजने से एक जंगम को पूजने के बराबर है, यानी कि आम पब्लिक के मुकाबले एक जंगम को पूजना, उसको कुछ अन्न खिलाना या उसको निमंत्रण देना 1 लाख आम पब्लिक के बराबर है। भगवान शिव ने स्वयं जंगम को अपनी जांग से प्रकट किया था और जंगम को टल्ली देते हुए ये कहा था कि इस टल्ली से मेरी कथा का, मेरे विवाह का गुणगान करना, और जो मेरे को मानेगा वो तेरे को अवश्य मानेगा। इसलिए उसी दिन से जंगम घर घर जाकर के भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव के भजन सुनाते हैं। चाहे कोई जंगम की टल्ली में डाले या ना डाले, उससे जंगम को कोई मतलब नहीं है। जंगम अपना कर्म करता है और भगवान शिव का गुणगान एक घर से दूसरे घर तक करता रहता है। आज जो श्रावण माह है, क्या खत्म हो गया? श्रावण माह उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में ये संक्रांति से माना जाता है। 16 से लेकर के ये 16 अगस्त की जो आई है, इसमें श्रावण मास संपूर्ण हो चुका है। बहुत से जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में ये मास हम मानते हैं पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक। जो 22 तारीख को अभी पूर्णमासी आएगी, ये हरियाणा पंजाब के अनुसार 22 तारीख को श्रावण महीना खत्म होगा। लेकिन अपने जम्मू कश्मीर में संक्रांति से महीना मानते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के अनुसार आज श्रावण महीना संपूर्ण हो चुका है।